ये 75 इंच का इंटरेक्टिव बोर्ड है, इसको वाइट बोर्ड भी हम लोग कहते हैं। अभी हम आपको एंड्रॉयड बोर्ड में वाइट बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी दिखाएंगे। तो वाइट बोर्ड हम पहले ओपन कर रहे हैं। बेसिक यूजेस, जैसे आप कुछ फार्मूलाज लिखते हैं या कुछ नाम लिखते हैं तो इस पे स्मूथली लिख सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना है तो आप डायरेक्टली इजली लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सर्कल बनाना है या फिर आपको कुछ भी कलर चेंज करना है बोर्ड का, स्क्वायर बनाना है, तो वो ईजली इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर, ये क्यूब ईजली ड्रॉ किया जा सकता है। इसी में हमारे को सर्कल ड्रॉ करना हो सर्कल भी इजली ड्रॉ हो जाता है। इसी में आपको कोई मैप वगैरह ओपन करना है तो डायरेक्टली हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ओपन करना है, उस पर कोई पिक्चर या मैप हमें सर्च करना है तो हम इजली ओपन कर सकते हैं। ये गूगल ओपन हो गया, इसमें हम इंडिया का मैप ले लेते हैं। मैप किया, मैप पे हम जाएंगे, कोई भी इमेज सेलेक्ट करना है, उस इमेज को सेलेक्ट करके हमने ये सेलेक्ट कर लिया। जितने भी साइज हमारे को कट करना है कट किया, वो इस बोर्ड पे आ गया। अब बोर्ड पे हम कुछ भी लिख सकते हैं या उस पर कुछ भी डिज़ाइन बना के बच्चों को दिखाना है तो वो सिखा सकते हैं इजीली। तो ये वाइट बोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और भी हैं, जैसे इसके अलावा भी पेजेस ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज एक्स्ट्रा, ये न्यू पेज ऐड हो गया। प्रीवियस पेज पे भी हम काम कर रहे हैं। एट ए टाइम हमने 4 पेजेस ओपन किए हुए हैं अभी। प्रीवियस करो, ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ओपन हैं। कुछ भी वर्क करने के बाद इसको हम सेव कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये फीचर्स वाइट बोर्ड के होते हैं। सेम फीचर विंडोज़ में भी मिलता है, ये एंड्रॉयड का फीचर देख रहे थे, और विंडोज़ में भी हम जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मोस्टली यूज़र्स विंडोज़ से साथ यूज़र फ्रेंडली होते हैं, तो विंडोज़ का वाइट बोर्ड डिफरेंट होता है थोड़ा। ओपीएस ओपन करो, ओपीएस ये विंडोज सिस्टम आ गया। विंडोज़ 10 सभी के लिए यूज़र फ्रेंडली है। इसमें भी वाइट बोर्ड हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जितने फीचर्स आपने अपने एंड्रॉयड में देखा वो सारे फीचर्स विंडोज़ में भी अवेलेबल हैं। राइटिंग लिखने का और ये फिर जो भी लिखना है वो इजीली लिख सकते हैं। इसमें कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैमरा ऑन करना, क्लास लेते समय कैमरा ऑन करना है और बच्चों के साथ भी कनेक्ट करना है स्काइप या फिर एमएस टीम के थ्रू, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा का जो भी व्यू होगा ये सामने आपको दिखेगा। इसके साथ स्पीकर फोन्स भी लगे हुए हैं।
ये आप टेबल पे जो देख रहे हैं ये स्पीकर्स हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हैं डिवाइसेस इसमें। दिस वन इज़ द PTZ कैमरा, 360 डिग्री पे ये रोटेट हो जाता है। कॉन्फ्रेंसिंग लेक्चर रिकॉर्डिंग काफ़ी पर्पस के लिए ये यूज़ किया जाता है। विंडोज़ में आपकी विंडोज़ से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे के सारे इजीली वर्क करते हैं। तो गूगल अर्थ भी इस पर ईजिली चलता है। गूगल अर्थ ओपन करना, गूगल अर्थ अगर आपको क्लासेस लेना है, गूगल अर्थ दिखाना है, फिर कुछ भी सर्च करना है, तो वो डायरेक्टली आप ओपन करके इसमें व्यू करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम लोग अभी हैं, जूम करना उसको, इंडिया को जूम करो,